एक शब्द है सैपच सुदर्शन चक्र, सैपच सुदर्शन चक्र, इसको सुपच सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं और स्वैपच सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं और स्वैपच सुदर्शन भी बोलते हैं। पहले हम ये देखें कि चक्र का मतलब क्या है। चक्र का मतलब होता है चक्र या कोई भी जो पहिया होता है उसको चक्र बोलते हैं, या कोई भी अगर जीवन में साइकिल घूमती है जो जीवन का चक्र होता है उसको भी चक्र बोलते हैं, जीवन मरण का चक्र। पाली के अंदर जो चक्र है वो कई बार उदाहरण में पहिए का भी आता है, जैसे धम्मपद की जो गाथा है एक और दो के अंदर, और बाकी जो चक्र वो जीवन के भव चक्र के बारे में बताया गया है। सुदर्शन माने क्या है, सबसे पहले ये देखें कि दर्शन क्या होता है। दर्शन का अगर संस्कृत भाषा में देखेंगे तो दर्शन बोलते हैं, यानी कि दर्शन का मतलब है देखना, और कहते हैं आपने दर्शन नहीं दिया यानी कि आप दिखाई नहीं दिए, और सुदर्शन का मतलब है अच्छी तरह से देखना। सुदर्शन का मतलब पाली के अंदर हो जाता है कि अच्छी तरह से देखना। तो धम्म में आपने देखा होगा कि एक अशोक का धम्म चक्र है, कहते हैं ये अशोक धम्म चक्र है जो भारत के झंडे में बीच में होता है, जिसमें 24 कड़ियां होती हैं, आरे होते हैं। ये अशोक का धम्म चक्र नहीं है, बेसिकली अशोक का चक्र नहीं है, ये अशोक नाम से नहीं है, जो सम्राट अशोक का नाम था, ये अशोक जो अशोक का मतलब है जिसको शोक ना हो उसका चक्र है। इसको बिल्कुल क्लियर करें कि ये सम्राट अशोक के नाम से चक्र नहीं है, ये सम्राट अशोक का चक्र नहीं है, ये अशोक का चक्र है जिसको शोक ना हो, ऐसा चक्र जीवन का जिसमें शोक नहीं होता, यानी कि दुख रहित चक्र है। इसका मतलब बहुत बड़ा है, ये व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता। अब ये जो जिससे शोक ना हो जो चक्र है जिसमें 24 आ रहे हैं, ये बेसिकली चक्र जो बना है बना कैसे, भगवान बुद्ध ने जब पेड़ के नीचे और ये अधिष्ठान किया, ये दृढ़ संकल्प किया, ये रिजोल्यूशन किया, ये प्रतिज्ञा की कि मैं अब यहाँ से तब उठूंगा जब मैं ज्ञान को प्राप्त कर लूँगा, जो हाईएस्ट नॉलेज है, शरीर कैसे चलता है, दुख कैसे आता है और कैसे निकलता है। कहीं दुनिया में नहीं खोज रहे हैं, शरीर के अंदर खोज रहे हैं और विपस्सना के थ्रू खोज रहे हैं, और पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जानते हैं, मगर बार बार ध्यान भंग हो जाता है, लंबी साधना चाहिए, क्योंकि शरीर को तोड़ते वाइब्रेशन में जाने के लिए जब वो पहुंचते होंगे तो बीच में टूट जाता होगा, जैसे बहुत सारे ध्यान करने वाले लोगों का टूट जाता है। तो एक अधिष्ठान चाहिए कि शरीर हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो जाए, तो वो ऐसा ही अधिष्ठान करते हैं, ऐसा रिजोल्यूशन करते हैं, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, उस प्रतिज्ञा के तहत में वो वहाँ बैठते हैं, तब पूरे शरीर का देखते हैं कैसे शरीर काम करता है, कैसे दुख आता है, इसमें वो सफल हो जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं साधना से। कई सारे लोग वापस नहीं आ पाते, निकल जाते हैं, वापस भी आते हैं, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा दुर्गम काम है किया उन्होंने। तो उस ज्ञान को जब वो लेके आए तो उस ज्ञान से उन्होंने ये देखा कि दुख को आने के लिए 12 रास्ते हैं, 12 कड़ियाँ हैं और जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन 12 कड़ियों के 24 तरह के, यानी कि हर कड़ी के दो तरह के आने और जाने के दो रास्ते हैं, तो 24 हो गया, इसको पठान बोलते हैं, तो 24 पठान हो गए। ये 24 जो रास्ते जो सरल करके उन्होंने बताए, प्रतित्व समुत्पाद के या पटच समुत्पाद के या इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन के, जो 12 तिलियां थी उनके 24 से प्रकार करके बताए, वो 24 उस जीवन चक्र में डाले, उसको जीवन भर समझाया कि जो जीवन मरण का चक्र है, ये दुख का चक्र है, ये चक्र है। उस दुख के चक्र को खुशी का चक्र बदलने में अशोक हो गया, यानी शोक का जो चक्र था उसको अशोक का चक्र बना दिया, जो बिना दुख का चक्र बना दिया, खुशियों का चक्र बना दिया, जीवन से दुख गायब कर दिए, इसलिए उसको अशोक चक्र बोलते हैं। सम्राट अशोक का नाम भी अशोक से ही पड़ा है, तो इसलिए सम्राट अशोक के नाम पे इसको ऐसा लगता है जैसे ये अशोक का है, तो सम्राट अशोक, क्योंकि जानते थे अशोक को हैं। बाकी शोक शब्द हो गया, शय तो पाली में है नहीं, अगर शोक कहेंगे या अशोक कहेंगे तो समझ में आता है, मगर अशोक कहेंगे या शोक कहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो थोड़ा इसे क्लियर कीजिए। तो उस जो भव चक्र है, यानी जो जीवन का चक्र है, उस चक्र को देखने के लिए, अच्छी तरह से देखने के लिए मेहनत करनी होती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र हो गया वो,
उस चक्र को देखने के लिए बहुत अच्छा देखने का प्रकार होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, कैसे सिखाया जाता है, कैसे देखना सिखाया जाता है, विपस्ना में बताया जाता है, तो वो सुदर्शन चक्र है। और सह पक्ष का मतलब है, सह माने होता है निज, निज यानी कि जैसे मैं हूँ तो मैं सह हूँ, सह माने निज हो गया। तो निज और पच माने पकाना, यानी कि अपने आप को, निज को पकाना, अपने आप को पकाने वाला सुदर्शन चक्र, उस चक्र को देख रहा हूँ जो मुझे पका रहा है, मुझे आगे जीवन में अच्छी तरह से लेके जा रहा है, इसको सहपच सुदर्शन बोलते हैं। और सहपच सुदर्शन बहुत लोग पुराने हैं जो सहपच सुदर्शन हैं, और वो उसी समय के भंग ज्ञानी हैं जो भंग ज्ञान भगवान बुद्ध ने खोजा और वो खुद भंगी बने, यानी कि जो भंग ज्ञान उन्होंने अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके, राग द्वेष को टुकड़े टुकड़े करके देखा, राग द्वेष को भंग कर दिया, दुखों को भंग कर दिया और खुशियां सारी वापस आ गईं दुख के भंग होते ही, उस भंग ज्ञानी को सुदर्शन धम्म भंगी भी बोलते हैं, सहपच सुदर्शन ज्ञानी भी बोलते हैं। सुदर्शन बहुत बड़ा है, इसी को चक्र के रूप में बनाते हैं। बाद में बहुत सारे लोग इसको सुदर्शन चक्र को भूल गए और इसको जानने पहचानने के लिए बड़ी सारी चीज़ें आईं, बड़ी सारी चीज़ें गईं, वो बात की कहानी है। मगर बुद्ध का जो धम्म चक्र है, जो धम्म में चलता है, जो दुनिया में फेमस है, वो यही सुदर्शन धम्म चक्र है। और सम्राट अशोक का जो नाम है उसको बोलते हैं सम्राट प्रियदर्शी, सम्राट का मतलब है जिसका राष्ट्र में समता है, प्रियदर्शी माने जिसका दर्शन प्रिय है, सम्राट प्रियदर्शी। चक्रवर्ती का मतलब है जिसने धम्म चक्र को परिवर्तित किया, चलाया, धम्म चक्रवर्ती यानी धम्म को, चक्र को चलाने वाला, धम्म चक्र, जैसे हम धम्म चक्र पवर्तन बोलते हैं, पवर्तन का मतलब है कैरी फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ाना, मूव फॉरवर्ड, आगे करना। तो वो धम्म चक्र पवर्तन जो सम्राट अशोक थे, इसलिए उनको बोला जाता है प्रियदर्शी सम्राट। धम्म चक्र पवर्तित या खाली धम्म चक्र अशोक, यानी कि ऐसा जिससे शोक ना हो, ये उनका पूरा नाम था, उनके राष्ट्र में समता थी, इसलिए सम्राट बोला जाता है उनको। सम्राट को बाद में सम्राट करके बोलने लगे और इसको धम्म चक्र को चक्रवर्ती करके बोलने लगे। जिन्होंने धम्म चक्र चलाए वो सारे राजा चक्रवर्ती राजा कहलाए जाते हैं और होते हैं, क्योंकि चक्र ही चलता है, कोई और चीज़ चल नहीं सकती, पहिया ही घूमता है, आज तक भी चक्र ही घूम रहा है, जीवन का चक्र है। दोबारा से धम्म वापस आ रहा है तो शब्द भी वापस आ रहे हैं। स्वयपच धम्म चक्र या सहपच सुदर्शन चक्र एक ही बात है। धन्यवाद।